गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स चैनल एंड वेलकम टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम ग्रुप ट्यूशन। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी। ओके, अभी आ जाओ एक्सरसाइज 6.2 पे। देन चलो अभी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला बताता हूँ। ए प्लस बी दी होल स्क्वायर, अगर ऐसा हमें दिया हो a प्लस बी दी होल स्क्वायर, तो ये जो टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, उसका हमें फैक्टराइजेशन लेना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट दी होल स्क्वायर, या तो फर्स्ट प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट दी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर। ओके, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर। ओके, यानी a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन, क्लियर। चलो अभी ये फॉर्मूला का यूज करके हमें सम्स करने हैं। देखो एक्सरसाइज 6.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, देखो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, फॉलोइंग नंबर्स के हमें स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो हमें और कुछ नहीं बोला, हमें सिर्फ स्क्वायर फाइंड करने को बोला हुआ है। तो हम ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, हमने सीखा है, वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, देखते हैं कैसे। चलो फर्स्ट वन इज 32। ओके, चलो 32 है, तो 32 को एक काम करते हैं, ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करेंगे जिसमें कोई एक नंबर हो ना उसमें लास्ट ज़ीरो हो, उसमें लास्ट वैल्यू लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस ज़ीरो हो। ओके, तो 32 को हम बोल सकते हैं 30 प्लस 2, है ना, 32 यानी 30 प्लस 2। हमें क्या चाहिए, 32 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 30 प्लस 2 दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो क्लियर बेटा, हमें क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारा फर्स्ट नंबर इज 32, हमें क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर, तो 32 दी होल स्क्वायर। लेकिन 32 को हमने कौन किससे रिप्रेजेंट किया, 30 प्लस 2, तो 30 प्लस 2 दी होल स्क्वायर। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर। बोलो डन बेटा, पता चला पक्का 100%। अभी 30 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था किसी अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो हो तो उसके स्क्वायर में 2 ज़ीरो आते हैं। तो 30 का स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 900। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आप कर सकते हो, देख लो। ओके, चलो प्लस 3 2 6, 6 2 12, और ये ज़ीरो तो है ही, यानी 120 मल्टीप्लिकेशन आया, और प्लस 2 दी होल स्क्वायर यानी 4। बोलो क्लियर बेटा। चलो अभी पहले इन दोनों का एडिशन करो, सो 900 प्लस, चलो 120 प्लस 4 यानी 124। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 900 प्लस 124 यानी 1020, है ना, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 1 10 यानी 1024, ये हमारा आंसर। सो 32 का स्क्वायर क्या होगा, क्या मिल गया हमें, 1024। बोलो कैसे किया पता चला, पक्का 100%। ओके चलो, तो फिर अभी आ जाओ उसमें ही सम नंबर 2 पे, हमें चाहिए 35 का स्क्वायर। ओके, हमें क्या चाहिए, 35 का स्क्वायर, तो चलो 35 को 2 नंबर्स में डिवाइड कर दो, तो हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5 दी होल स्क्वायर। 35 यानी 30 प्लस 5, है ना। चलो तो यहाँ पे भी a प्लस बी दी होल स्क्वायर मिला, फर्स्ट प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर मिला, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर। ओके, चलो 30 दी होल स्क्वायर क्या मिलेगा, 900, क्यू 3 का स्क्वायर 9, और 10 है उसमें, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरोज आ जाएंगे, प्लस 5 2 जा
टेन, टेन थ्री जा 30, और ये जीरो तो है ही। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला पक्का, ओके। प्लस 5 होल स्क्वायर 25, सो 900 प्लस 300 प्लस 25, 325। चलो 0 प्लस 5 0 0 प्लस 2 2, 9 प्लस 3 12, यानी 35 का स्क्वायर हमें क्या मिला, 1225। बोलो डन बेटा, पता चला अभी पक्का, 100% क्लियर। चलो गुड, अभी आ जाओ उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे, 86। हमें अभी 86 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 86 द होल स्क्वायर लिखेंगे। अभी ये फाइंड करना है, तो 86 को बोल सकते 80 प्लस 6 द होल स्क्वायर, ओके। देखो बेटा, 86 को हम 90 माइनस 4 बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है उसमें बीच में फिर माइनस आएगा, तो सब्सट्रैक्शन थोड़ा लेंथी पड़ता है, उससे अच्छा है क्या करना है, एडिशन। इसलिए मैंने 86 को बोला 80 प्लस 6, ओके। सो अभी फर्स्ट प्लस सेकंड द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम। चलो करते हैं, फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड द होल स्क्वायर। चलो 8 स्क्वायर 64, यहाँ पे 10 उसके स्क्वायर में 20 जाएंगे, तो 80 द होल स्क्वायर क्या मिला हमें, 6400 प्लस। चलो अभी एक काम करते हैं, 8 6 48 48 2 96, ओके। और ये 10 तो है ही, बोलो डन, मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, बोलो डन, पता चला पक्का। चलो 6 द होल स्क्वायर 36। अभी ये एज इट इज रखते हैं, इन दोनों का एडिशन, 0 प्लस 6 6 6 प्लस 3 9, और 9 एज इट इज। अभी इन दोनों का करेंगे, तो 0 प्लस 6 6 0 प्लस 9 9 9 प्लस 4 13 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, ये हमारा आंसर। तो 86 द होल स्क्वायर हमें क्या मिला, 7396, ओके। बोलो पता चल रहा है ना बेटा, कैसे अभी ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्लियर ना। जो ये जो हमने फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अप्लाई किया उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 में आएगा उसके बारे में, ठीक है, पूरा एक चैप्टर है, ओके। चलो तो अभी आ जाओ सम नंबर 4 पे। चलो 4 में हमें दिया हुआ है 93, तो बेटा 93 है तो अभी उसको हम बोल सकते हैं, अगर हमें 93 दी होल स्क्वायर फाइंड करना हो तो 90 प्लस 3 दी होल स्क्वायर, है ना। चलो फर्स्ट प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड दी होल स्क्वायर, ओके। चलो 90 दी होल स्क्वायर करना है, तो पहले 9 का स्क्वायर कर दो, 81, अगर ये टर्म में 10 है तो उसके स्क्वायर में 20 जाते हैं। चलो प्लस, बोलो 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, और 10 तो है ही। बोलो क्लियर बेटा, डन। प्लस 3 द होल स्क्वायर 9, अभी 8100 प्लस इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 549। अभी इसका एडिशन करो, 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 1 6, और 8 एज इट इज, सो 8649, ये हमें 93 का स्क्वायर मिल गया। इजी पता चला अभी पक्का, डन ना। तो बेटा सम नंबर 571 और सम नंबर 646, बोलो खुद से हो जाएगा पक्का, 100% क्लियर ना, डन ना बेटा। इसको हम ले लेंगे 70 प्लस 1, इसको हम ले लेंगे 40 प्लस 6, अभी तो उसका स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बोलो क्लियर, डन ना, पक्का, ओके। चलो बेटा, अभी ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला हमने आज नया सीखा, उसके बाद एक और टर्म, एक और डेफिनेशन हम नहीं करते हैं, ओके। न्यू डेफिनेशन है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ओके। तो उसके लिए पहले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम देखना पड़ेगा, तो वो क्या है, तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल 90 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना,
ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें, इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये दोनों साइड्स हो गई, ओके, ये भी साइड्स है लेकिन उसको स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, है ना। तो पाइथागोरस ने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, तो उसके अलावा जो दो साइड्स बची मतलब ए बी एंड बी सी उसके स्क्वायर से एडिशन करेंगे उतना होगा। क्या बोला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके जो दोनों बाकी की साइड्स बची उसके स्क्वायर के एडिशन जितना होगा, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोलो क्लियर, डन, पता चला, पक्का 100% क्लियर ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये साइड 6 है ये 8 है तो ये एसी कितना होना चाहिए, 10, कितना होना चाहिए, 10। देखो कैसे, चल पहले ए बी का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 6 स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 8 स्क्वायर। चलो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। चलो इन दोनों का एडिशन करो, अभी 6 प्लस 4 10 प्लस 1, 6 प्लस 3 4 9 प्लस 1 10, यानी ए सी स्क्वायर हमें क्या मिला, 100। कितना मिला, 100। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, यानी ए सी इज इक्वल टू 10। बोलो मिल गया 10। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थियरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये जो 6 8 और 10 मिला उसको हम बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये फॉर्म है कंफर्म ऐसे ही होते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर का एडिशन तीसरी जो हाइपोटेनस साइड है उसके स्क्वायर जितना होता है। और ये जो नंबर्स, जो नंबर्स है, जो मेजर है साइड्स का, उसको हम बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। बोलो क्लियर, डन, पता चला, ये पक्का 100% ना, डन ना, ओके। चलो तो एक काम करते हैं, अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2, ओके। उसमें मैं क्या बोला हुआ है, देखो, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज, फर्स्ट वन इज 6। चलो हमें फर्स्ट वन दिया हुआ है 6, ओके, और उसका बाकी के जो मेंबर्स बचे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के वो हमें फाइंड करने हैं, ओके। तो चलो मैं जितने स्टेप्स बोलूँ उतने आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, ये जो 6 जो गिवन नंबर है उसको आपको लेना है 2m, यानी 2m इज इक्वल टू 6। कंपलसरी जब भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फाइंड करने को बोला हो तो जो गिवन नंबर है उसको हम क्या, आप क्या बोलोगे, 2m, ओके। चलो अभी m को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, सो 6 अपॉन 2, दैट मीन्स m की वैल्यू हमें क्या मिली, 3, 3 2 6, यानी m की वैल्यू क्या मिली हमें, 3, ओके, डन, क्लियर। तो अभी बाकी जो बचे वो ट्रिपलेट्स है वो हमें मिलेंगे m² -1, m² +1। बोलो डन, यानी इसका मतलब ये हुआ जो ट्रिपलेट्स है वो कैसे फॉर्म में आते हैं, m² -1, 2m एंड m² +1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, ओके। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो गिवन नंबर है उसको आपको 2m एज्यूम करना है और उसमें से m की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ m² -1 और m² +1 में पुट अप करना है,
ओके चलो यहाँ पे m, m यानी 3, सो 3t होल स्क्वायर माइनस 1, चलो 3t होल स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, ओके अभी दूसरी m स्क्वायर प्लस 1 है, तो m यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर यानी 9, 9 प्लस 1 10, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें मिल गए 6, 8 एंड 10, बोलो क्लियर। तो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, पता चला, डन। आपको याद रखना है 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, जो गिवन नंबर है उसको 2m एज्यूम करना है, उससे हमें m मिल जाएगा और वो m की वैल्यू हमें m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करनी है। बोलो इजी, बोलो इजी, डन। चलो वैसे ही हमें सेकंड नंबर दिया हुआ है, देखो 14, चलो 14 दिया है तो एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसको 2m लेना है, सो 2m इज इक्वल टू 14, सो m इज इक्वल टू 14 बाई 2, सो m इज इक्वल टू 7, ओके ये 2 अपोजिट ले जाएंगे, डिनोमीटर में चला जाएगा, कट करेंगे तो m की वैल्यू 7 मिल गई। उसका मतलब बाकी के दो ट्रिपलेट्स कौन से हो गए, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, चलो m स्क्वायर माइनस 1, m यानी 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 1 48, ओके चलो तीसरा कौन सा होगा, m स्क्वायर प्लस 1, m यानी 7, 7 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर यानी 49, 49 प्लस 1 50, तो 14, 48 एंड 50 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, ओके बोलो क्लियर बेटा, पता चला आपको पक्का 100%। देखो अभी उसमें भी थर्ड दिया हुआ है, चल उसमें क्या बोला हुआ है हमें 16, तो अभी ये है तो हमें बाकी के दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो एक काम करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसको 2m एज्यूम करना चाहिए, चलो 2 को डिनोमेटर में भेज दो, सो 16 बाई 2 हो जाएगा, उसका मतलब m की वैल्यू हमें क्या मिली 8, m हमें मिल गया, तो सेकंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 एंड थर्ड वन इज m स्क्वायर प्लस 1, है ना। चलो m स्क्वायर माइनस 1, m यानी 8, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 64 माइनस 1 63, अभी m स्क्वायर प्लस 1, m यानी 8, 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर यानी 64, 64 प्लस 1 65, तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए 16, 63 एंड 65, बोलो क्लियर, बोलो इजी, पता चला पक्का 100%, ओके तो उसका मतलब अभी ये जो फोर्थ वन है 18, वो आपको खुद से करना है सेल्फ, हो जाएगा ना, पक्का ना, डन क्लियर, ओके तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, यहाँ पे 6.2 भी कंप्लीट हो गया, ओके बोलो यहाँ तक पता चला सबको, पक्का डन बेटा, क्लियर ना, ओके तो आज के लेक्चर में इतना ही, आपको ये दोनों क्वेश्चन नंबर्स 2 टाइम्स लिखने हैं, डन।